तो आप लोगों ने सही सुना, कैप्शन पे सही देखा कि हाँ मैं आज से इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट कर रही हूँ। और गॉड को प्रे कीजिएगा गाइस कि मैं कंटिन्यू कर सकूँ एटलीस्ट 1 वीक। तो मैं अभी सुबह का थोड़ा काम कर चुकी हूँ और मैं गर्म पानी भी ले चुकी हूँ और ऊपर जा रही हूँ अभी, थोड़ा जॉगिंग करूँ, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करूँ और थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए। तो फिर चलते हैं ऊपर। क्या है ना, अभी इतना लेट हो गया रहता है मैं जब उठती हूँ, तो मैं अगर जाऊँगी अभी जॉगिंग के लिए रोड पे या फील्ड पे कहीं पे भी, तो ना सब लोग ऐसे ना रिटर्न आ गए होते हैं जॉगिंग करके। तो इसलिए मैं अभी इस टाइम अपने घर के टेरेस ही प्रेफर करती हूँ जॉब के लिए। हाँ, तो घर के टेरेस पे भी इनफ स्पेस है जॉब करने के लिए। और एक भी चीज़ है कि मैं बेंगलोर पे ना अपना शूज़ भूल गई हूँ, तो इसलिए मैं नहीं भी जा रही हूँ क्योंकि पैर में मुझे पेन रहता है अगर मैं विदाउट शूज के जाऊँ। तो मैं अपने टेरेस दिखा देती हूँ पहले। हम लोगों के सुंदर सा गाँव जो कि है बहुत ही प्यारा, और ये चारों तरफ और ये जो है बालकनी बहुत बड़ा है, बस लाइक बहुत बड़ा तो नहीं, हाँ इनफ स्पेस है क्योंकि दो बिल्डिंग को मिलाकर एक टेरेस बना गया है। ये जो बीच में है दीवार, ये हटा देने से और भी ज़्यादा बड़ा रहता। मैं दिखाती हूँ आपको, देखिए। तो फिर भी मैं इनफ इसका स्पेस बहुत अच्छे से यूज कर लेती हूँ चारों तरफ चलते चलते दौड़ते दौड़ते। और ये जो है वो हमारे घर पर जाने के लिए वो है उसका रास्ता, और इस साइड है पुराने घर जाने के लिए। इसमें तो अभी भाड़े पे लगा है घर, तो इधर लक है। और इधर एक छोटा सा बाथरूम है, एक्स्ट्रा वाला वॉशरूम। और इधर जो है हम लोगों का गार्डन है, मेरा फेवरेट जो कि है मैंगो ट्री, मैंगो लाइक आम का सब पेड़ वगैरह है। इधर दिखाई नहीं दे रहा है, उधर से है। और तो फिर मैं थोड़ा वॉकिंग और अपना वर्कआउट स्टार्ट करती हूँ। मैं ना अपना पूरा मॉर्निंग रूटीन आपको शेयर कर रही हूँ कि मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग में क्या क्या करती हूँ। पता नहीं मेरे साउंड हो रहा है कि नहीं, क्योंकि वहाँ पर ना लक्ष्मी जी का पूजा चल रहा है तो उसमें गाना लग रहा है, गाना लगा है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितना वेट मैं गेन कर चुकी हूँ, तो मुझे करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए और मैं ऐसे पूरा राउंड चल के फिर थोड़ा ऐसे वॉक करके मैं नीचे जाऊँगी। ओके, तो मैं ना अपना वर्कआउट कंप्लीट कर चुकी हूँ। अभी 8:30 कुछ हो गया है और बहुत ज़्यादा धूप भी स्टार्ट हो गया है। और क्या हुआ, आप लोग भी सोच रहे हैं क्या क्या हुआ, उसका वर्कआउट का थकान कहाँ गया, स्वेट कहाँ गया। मेरा ना अंतरात्मा भी मुझे पूछती है कि अरे इतना चली मैं, इतना जॉगिंग की, थोड़ा एक्सरसाइज भी की, कहाँ गया ये स्वेट, क्यों नहीं होता है बोल के। सीरियसली गाइस, इसलिए ही मैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि मैं इतना हार्ड जॉग नहीं कर पाती हूँ। जिम पे थोड़ा बहुत कर लेती हूँ लेकिन खुद से नहीं कर पाती हूँ। और जो कि जो है हेल्दी फूड वगैरह वो तो मेरे गले से नीचे ही नहीं उतरता है, क्योंकि मैं अनहेल्दी फूड का बहुत बड़ी शौकीन हूँ, क्योंकि मुझे अनहेल्दी फूड बहुत अच्छा लगता है। तो डाइटिंग भी नहीं हो सकता, ऊपर से इतना एक्सरसाइज भी नहीं कर सकती। तो दरअसल मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग चूज की हूँ। कुछ नहीं, बस भूखे बैठना पड़ेगा कुछ टाइम, फिर ही आप खा सकते हैं। तो इसलिए तो अभी मेरा वर्कआउट तो थोड़ा बहुत हो गया, अभी मैं जाऊँगी, अभी मैं तुरंत ही नहाऊँगी, क्योंकि जब आप नहाते हो ना तब तुरंत बहुत ज़्यादा भूख लगती है और नहीं खाओगे ना तो पेट गर्म हो जाती है। तो ये अच्छा नहीं है इंटरमिटेंट फास्टिंग के लिए, ये जो है ये डिमेरिट है। तो इसलिए ना मैं थोड़ा बैठूँगी या फिर स्टार्ट करूँगी, फिर ही मैं जब मेरा टाइम हो जाएगा तभी मैं खाना स्टार्ट करूँगी। चलते हैं, फिर मैं खाने के टाइम फिर मिलती हूँ। हाँ, तो अभी 10 भी बज गया है, तो मैं अपना ऑफिस का काम भी स्टार्ट कर चुकी हूँ। तो अभी ना कुछ टाइम के बाद मैं नहाने जाऊँगी, क्योंकि मैं जब भी नहाती हूँ बहुत भूख लगता है मुझे, और मैं बोली थी। तो क्या है ना, अभी मैं लास्ट का जो मील था मेरा कल का, वो 10 PM को ख़त्म हुआ था मेरा। तो क्या है ना, 10 PM को ख़त्म हुआ था, तो मैं आज जो कि है मेरा फर्स्ट डे है ना, तो मैं डायरेक्ट 16:8 का मैं नहीं करूँगी, 16:8 का, तो मैं करूँगी 9:14 का करूँगी। तो मैं 14 आवर फास्ट रखूँगी और 9 आवर ब्रश खाऊँगी, तो मुझे मेरा हो जाएगा। मैं रात को 10 बजे खाना ख़त्म की थी, तो आज सुबह 12 बजे तक मैं खाऊँगी। तो ऐसे 11:30 को मैं नहाने जाऊँगी और 12 को मैं खाना थोड़ा ब्रेकफास्ट स्टार्ट करूँगी और लंच थोड़ा उसके बाद करूँगी। तो ओके, तो मैं अभी थोड़ा काम कर लेती हूँ और फिर मिलेंगे खाने के टाइम पे।
हाँ तो मैं अभी 12 के ऊपर हो गया है और पेट पेट पे जो है चूहानी बाघ भालू सब दौड़ रहे हैं और इतना ज़्यादा भूख लग रही है कि पूछो ही मत, क्योंकि 12:30 कुछ हो गया है और मैं इसलिए ही इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि क्योंकि ना मैं जब भी घर आती हूँ ना खाना कंट्रोल नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मम्मी का हाथ का ये जो टेस्टी टेस्टी की कैसे आप कंट्रोल कर पाओगे बोलो आप, और ये सब पकवान, आई लव दिस, तो ये सब तो कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो इसलिए ही मैं ना इंटरमिटेंट फास्टिंग स्टार्ट की हूँ, क्योंकि इंटरमिटेंट फास्टिंग पे ना आप कुछ भी खा सकते हो, इतना नहीं ज़्यादा अनहेल्दी फूड नहीं, बट हाँ आप ऐसे डाइटिंग का जो रहता है ना प्रोसेस वो आप नहीं करोगे तो भी चलेगा, इसलिए ही मैं इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि अभी 12:30 हो गया है। मैं जो ब्रेकफास्ट है थोड़ा लाइट करना चाहिए, लेकिन मुझे इतना भूख कर रहा था ना, फर्स्ट डे है ना, तो इसलिए ना मैं तुरंत ही ये सब ले आई खाने के लिए। ब्रेकफास्ट पे मैं खाकर फिर लंच पर फिर मिलती हूँ आपको और दिखाती हूँ कि लंच पे मैं थोड़ा लाइट खाऊंगी और फिर पूरा होल डे का मेरा क्या क्या खाना रहता है इंटरमिटेंट फास्टिंग पे, और रात को मैं कितने बजे कंप्लीट करूँगी मैं सब दिखाऊंगी। ये अभी मैं फिर पहले मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ फिर मिलती हूँ। ओके तो मेरा अभी हो गया है 3 o'clock, क्योंकि मैं बहुत खा ली थी ब्रेकफास्ट पे, तो इसलिए मैं थोड़ा लेट पे खा रही हूँ। तो आज खाने पे है राइस पुलाव, जो कि मेरा फेवरेट है, नहीं तो मैं ना दोपहर को ऐसे रोटी खाना पसंद करती हूँ और राइस खाती हूँ तो भी बहुत कम खाती हूँ, क्योंकि पुलाव और जो कि है रायता ये जो है मेरा फेवरेट है, और बिरयानी वगैरह सब मुझे बहुत पसंद है, तो मैं थोड़ा ज़्यादा खाना प्रिपेयर करती हूँ, और थोड़ा अचार और एक सब्जी है तो मैं थोड़ा कम खाऊंगी क्योंकि ब्रेकफास्ट पे बहुत हो गया था, तो ऐसा ना बैलेंस करना पड़ेगा मुझे अभी, और फिर खा के फिर मैं इवनिंग स्नैक्स पे मिलती हूँ आपको। और मैं ये जो है रूटीन मैं डेली फॉलो करने वाली हूँ 7 days के लिए, 7 days का चैलेंज मैं ली हूँ अभी, 7 days पे अगर कुछ इफेक्ट नहीं दिखेगा तो मैं छोड़ दूंगी, अगर इफेक्ट दिखेगा तो मैं इसको आई मीन ट्राई करेंगे कंटिन्यू करने के लिए। मैं जब भी बोलती हूँ कुछ फिक्सली मैं कुछ करूँगी मैं कभी कर नहीं पाती हूँ, तो मैं अभी ट्राई करूँगी 7 days के लिए। शाम तो नहीं रात हो गया है बोलो, क्योंकि 7:30 कुछ हो गया है, तो मैं ना अभी थोड़ा ऊपर जाऊंगी फिर से टेरेस पे और थोड़ा फिर से थोड़ा वर्क करूंगी, क्योंकि ना मेरे को अभी लाइट अप कर लेती हूँ क्योंकि घर पे कोई नहीं है, सब गए हैं बाहर, तो मैं ना अभी थोड़ा वर्क करूंगी और उसके बाद ही मैं अपना जो लंच है वो करूंगी, थोड़ा गाना सुन के खुद के लिए थोड़ा टाइम जो है अच्छा बहुत अच्छा लगता है, ऐसे रात को आप वर्क करो गाना सुनते सुनते तो बहुत सही लगता है और ऑब्वियसली हेल्थ के लिए भी बेनिफिट होता है, तो मस्त मैं चलूँगी। और मैं इवनिंग पे ऐसे कुछ खास नहीं मैं स्नैक्स की हूँ, क्योंकि ना मेरे को ऐसा था कि ना भूख नहीं लग रहा था, क्योंकि अभी जो ये जो है ना इंटरमिटेंट फास्टिंग ये 3 times ही खाना सही रहता है, क्योंकि पूरा टाइम ना आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगा, क्योंकि इतना जल्दी जल्दी आप लंच आप जो ब्रेकफास्ट होता है और लंच होता है दोनों आप इतना जल्दी लेके रहते ना, तो इसलिए ना पूरा भूख भी इतना जल्दी जल्दी नहीं लगता, तो इसलिए मैं अभी नहीं खाऊंगी कुछ भी स्नैक्स क्योंकि बिल्कुल भी भूख नहीं है मुझे, और फिर मैं चलूँगी फिर डायरेक्ट लंच करूँगी और फिर मैं आपको लंच पे मिलती हूँ। हाँ तो मैं अपना वीडियो एंड करने का टाइम आ गया है, तो मैं अभी खाने के लिए जा रही हूँ और बहुत थकान हो रही है चलते चलते यूं ही थक जाती हूँ मैं, क्या यही लेजीनेस है अरे इतना आई मीन इतना वेट गेन कर चुकी हूँ ना, तो चलते चलते भी अभी बहुत थकान हो रहा है, तो बस आप लोग विश करें कि ये जो इंटरमिटेंट फास्टिंग मैं कंटिन्यू कर सकूं और आप सभी को उसका रिजल्ट दिखा सकूं, क्योंकि अभी नहीं हो रहा है यार, अब मैं ऑब्सेस्ड हो गई हूँ पूरा उसके लिए। हाँ तो मैं अभी जाती हूँ, वीडियो एंड करती हूँ, लंच करने के लिए जाती हूँ, फिर 1-2 hours के बाद मैं सो जाऊँगी और कल से मैं वहीं कंटिन्यू करूँगी 9 बजे, जैसे कि मेरा ना 9 बजे अभी मैं 9:30 को मैं डिनर कर रही हूँ, तो मॉर्निंग का अभी थोड़ा उस हिसाब से मैं 8 हाँ कल से मैं 16:00 to 8:00 का मैं करने वाली हूँ, तो उस हिसाब से मैं अपना टाइम मेजर करके मैं करूँगी कल से। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप जानते ही होंगे कि आपको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है और मेरे साथ कनेक्ट होकर रहिए ताकि मैं आपको रिजल्ट दिखा सकूं, ताकि मैं आपको रिजल्ट दिखा सकूं कि कितना काम दे रहा है और सभी को स्टार्ट करना चाहिए कि नहीं बोल के। ओके फिर बाय गाइस, बी सेफ, टाटा बाय।